ऐसे खुशी कर रहा है, ये मजे वाला काम है। एग्जाम्स के बाद वापस आए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो आज हम बनाएंगे बिना प्याज लहसुन के मसालेदार आलू। तो जिसके लिए मैंने छोटे साइज़ के आलू लिए थे और मैंने उनको दो टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है, अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो आलू को हमें हल्का हल्का सा फ्राई करना है। तो ऑयल गर्म है तो आलू को फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गर्म है तो आलू को हल्का हल्का सा तल लेते हैं। आलू हमारे फ्राई हो रहे हैं तो आलू की ग्रेवी के लिए लिए है मैंने 4 टमाटर, तो उनको पीस लेते हैं। टमाटर हमने पीस लिए हैं तो इसमें डालेंगे ताजा मलाई दूध की, तो इसको भी पीस लेंगे। मलाई और टमाटर को हमने इस तरह से पीस लिया है। तो आलू के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। गैस पे रखेंगे कढ़ाई, इसमें डालेंगे सरसों का ऑयल। आलू फ्राई हो गए हैं तो इनको निकाल लेते हैं, इसी तरह से चाहिए। ऑयल गर्म हो गया तो ऐड करेंगे जीरा, हींग, मलाई और टमाटर का पेस्ट। मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। सभी मसाले ऐड कर देंगे, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे। हरी मिर्च डाल देंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, ऐड कर देंगे आलू, मिक्स करेंगे। ऐड कर देंगे पानी, मैं 1 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप इतना पानी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसे हमें सिम गैस पर पकाना है। सब्जी को चेक कर लेते हैं। आलू भी हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, ऐड कर देंगे हरा धनिया। मिक्स करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो हमारी बिना प्याज लहसुन के आलू की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।